वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा एक बीघा में कितना मीटर होता है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हर राज्य में बीघा की माप अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिये यहाँ पर हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक। हमारी जमीन है आयताकार। हमारी जमीन कैसी है? आयताकार है, ठीक है, वर्गाकार नहीं है। अच्छा, इसकी लंबाई है 225 फीट। इसकी लंबाई है 225 फीट, ठीक। अच्छा, और इसकी चौड़ाई है हमारी 120 फीट, सही है। लंबाई हो गई 225 फीट और चौड़ाई हो गई 120 फीट, ठीक है। और ये हमारी जमीन कितनी है? ये है एक बीघा, सही है, एक बीघा जमीन है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हमारे जमीन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे जमीन का क्षेत्रफल। हमारे जमीन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे जमीन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। लंबाई की जगह लंबाई रख देते हैं 225 फीट, चौड़ाई कितनी है 120 फीट, गुणा करा लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 0, 12 पंजे 60, 6 आ गया, 12 दुनी 24, 24 6 30, 30 3 आ गया, 12 दुनी 24, 24 और 3 27। तो यहां पर ये हो जाता है 27,000 वर्ग फीट, ठीक। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई जमीन एक बीघा है तो उसे 27,000 वर्ग फीट होना जरूरी है, क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में, आगरा जिले में एक बीघा में 27,000 वर्ग फीट होते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे एक बीघा जमीन में कितना मीटर होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा एक मीटर में 3.2808 फीट होते हैं, सही है। हमारा एक मीटर में 3.2808 फीट होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसको लेते हैं 3.28। भैया आप इतना क्यों ले रहे हैं? दशमलव के बाद दो अंक यहां पर आप क्यों ले रहे हैं? आप पूरे चार अंकों तक निकालिए, दशमलव के चार अंकों तक आपको वो डिजिट लेनी पड़ेगी, तभी आपकी सही माप आ पाएगी, सही है। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि हमारा एक वर्ग मीटर, भाई हमारी जमीन तो वर्ग मीटर में होती है ना, भाई वर्ग फिट, वर्ग गज या वर्ग मीटर, मीटर में नहीं होगा, वर्ग मीटर में होगा, सही है। तो यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा कि हम, मैंने क्या किया, अगर आपकी जमीन देखिए एक मीटर ऐसे है, एक मीटर ऐसे, ठीक। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/1, एक मीटर ऐसे है और एक मीटर ये ऐसे है, आप इसका गुणा करेंगे एक का एक से तो क्या आएगा? एक वर्ग मीटर। तो यहां पर आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग फिट बन जाएंगे, ठीक है। एक वर्ग मीटर में हमारे कितने वर्ग फिट होते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? 3.2808 का गुणा करना है सेम डिजिट से, 3.2808 से, ठीक। तो हम पता कर लेंगे कि हमारा एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग फिट होते हैं, सही है। तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं 3.2808 का किससे? 3.2808 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 10.7636, 10.7636 वर्ग फीट। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा एक मीटर में 3.2808 फीट होते हैं, ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्टर, और हमारा एक वर्ग मीटर में 10.7636 वर्ग फीट होते हैं। आपको बस अब ये करना है कि 27,000 वर्ग फीट है ना आपका, आपको इसे वर्ग मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए एक वर्ग मीटर में जब हमारे 10.7636 वर्ग फीट थे, तो यहां पर हमारे 27,000 वर्ग फीट में कितने वर्ग मीटर बनेंगे? हम क्या करेंगे, इस 27,000 वर्ग फीट में भाग लगा देंगे किससे?
10.7636 से। तो यहां पर हम भाग लगा देते हैं 10.7636 से। तो ये जमीन हमारी जो कि 1 बीघा है वर्ग मीटर में बदल जाएगी, सही है। तो यहां पर हम भाग लगा देते हैं 27,000 में 10.7636 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2,508.45। हमारा आंसर क्या आया है? 2,508.45 वर्ग मीटर। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी 1 बीघा जमीन को अब वर्ग मीटर में बदल दिया है, ठीक है। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी कभी भी 1 बीघा जमीन में मीटर नहीं होता, वर्ग मीटर होता है। क्योंकि जब हम 2 यूनिट, मान लीजिए हमने पहले सबसे पहले 225 फीट को मीटर में बदलते, फिर 120 फीट को हम मीटर में बदलते, अगर हम जब मीटर मीटर का गुणा कराएंगे तभी तो आएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।